सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीन सिनी अवार्ड के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि बहुत ही काफ़ी सालों से ग्रीन सिनी अवार्ड हो रहा है और पिछले साल भी मैंने ग्रीन सिनी अवार्ड किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और इस बार भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और यहाँ पे जस्ट अभी परफॉर्म करके आई हूँ। जी मैम, इसके ऑर्गेनाइजर हैं विजय पांडे जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि विजय जी ने सबसे पहले कि भोजपुरी सिनी अवार्ड का उन्होंने जिक्र किया था कि श्रुति मैं भोजपुरी सिनी अवार्ड करने जा रहा हूँ, मैं शूट कर रही थी उसके दौरान, तो काफ़ी एक्साइटमेंट था। हालाँकि ये बहुत पिछले साल ही होने वाला था, ये 2 साल बाद हो रहा है, नहीं हो पाया क्योंकि कोविड था, कोरोना वायरस के कारण नहीं कर पाए। तो अभी जो चूँकि अभी हम लोग ग्रीन सिनी अवार्ड कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और विजय पांडे जी तो हमेशा से डेडिकेटेड हैं, जितने भी हमारे भोजपुरी के अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं सभी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जितना उनसे बन सकता है वो अपना डेडिकेशन देते हैं और मेहनत करते हैं और ऑर्गेनाइज करवाते हैं और भोजपुरी को इकट्ठा करते हैं और जितने भी कलाकार हैं एक अच्छा समय और एक अच्छा टाइम मिलता है कि हम लोग बैठ के बात कर पाएँ, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। हम लोग शूट के दौरान इतना बिजी रहते हैं कि हम लोग किसी से मिल नहीं पाते हैं, बस वन टू वन नहीं हो पाता है, बाकी तो कॉल वॉल पर टच में रहते हैं। लेकिन जब ग्रीन सिनी होता है या सबरंग होता है या कोई सा भी अवार्ड शो होता है, चाहे वो सरस से ले लूँ, तो भोजपुरी का जब भी अवार्ड होता है तो हम लोगों को मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है, तो वो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और विजय पांडे जी को। जी, आपको राइजिंग स्टार फीमेल के लिए अवार्ड मिला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राइजिंग स्टार फीमेल तो पहली पिछले बार भी मिला था ग्रीन सिनी से। थैंक यू और धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे दर्शक का और भोजपुरी इंडस्ट्री का कि इस काबिल समझा मुझे, थैंक यू सो मच। जो कि अभी आशिकी को रिलीज़ हो चुका है प्यार मिला, आने वाले पल में अवसर बढ़िया और भाग्यवान प्यार पहली बार हुआ, राजा टोली लेके आ जा सैया सवर का और बहुत सारी फिल्में जो अभी मैं की हूँ सबका पापा मुख अच्छा, मुझे याद नहीं है अपनी फिल्में कौन कौन सी फिल्में की हैं, हालांकि बहुत सारी फिल्में हैं, प्यारी प्यारी फिल्में। अभी मैं हाल ही में नागमणी शूट कर रही हूँ, तो प्यार आशीर्वाद देते रहिए, बहुत प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं। आप लोग यही कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और ये चाहते हैं कि भोजपुरी में जो हैशटैग बना रखा है वर्गलिटी, ये ख़त्म हो जाए। काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जान अपनी लगा के डे नाइट काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, तो एक अलग लेवल पे भोजपुरी को लेके जाने का संकल्प लिया है लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार आशीर्वाद दीजिए, जितनी भी फिल्में आती हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट की फिल्में आ रही हैं आप लोग उसको देखिए। हाँ, वर्गल्टी की बात करें तो वर्गल्टी अभी ख़त्म हो चुकी है और कुछ वर्गल्टी होगी तो वो एल्बम्स गाने से होगी, तो एल्बम और भोजपुरी फिल्मों में बहुत अंतर है। एल्बम एक अलग कैटेगरी में आती है और भोजपुरी जो फिल्म होती है वो एक अलग कैटेगरी में आती है, तो फिल्मों को आप लोग देखिए।